हेलो दोस्तों, मैं दयानिधि यादव, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज मैं बताऊंगा कवच प्रास के मुख्य घटक और इसके फायदे के बारे में, साथ में बताऊंगा इम्यूनिटी कम होने के मुख्य कारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी कम होने के मुख्य कारण। पहला है तनाव ज़्यादा। आजकल जैसे कि इनकम को लेकर के या तो काम को लेकर के ज़्यादातर हम लोग जो है तनाव में देखने को मिलता है लोगों को, तो उसके वजह से जो है आज हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर जो है कम होने का ज़्यादा चांस रहता है। दूसरा कारण है कम पानी पीना। जैसे कि आज हम लोग ज़्यादातर काम में बिजी रहने के कारण या फिर और भी कई कारण के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन हम पानी आज कम पीते हैं। कम से कम हमको 7 से 8 गिलास पानी हर रोज़ पीना चाहिए। तीसरा कारण है आज हमारे शरीर में टॉक्सिन का बढ़ना। टॉक्सिन का बढ़ना जैसे कि आज के डेट में हमारे भोजन, पानी और हवा इस तरह के, और आजकल जंक फूड का सेवन ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से हमारा जो खान पान है वो आज व्यवस्थित नहीं है, यानी कि बदल चुका है, जिसके कारण से आज हमारे शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन का बढ़ जाने के कारण भी हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। आगे बात करते हैं कवच प्रास के मुख्य घटक। इसमें आंवला, बाला, शतावरी, अश्वगंधा, बिल्वा, ब्राह्मी, केसर और नाग केसर आदि को मिला करके इस कवच प्रास को तैयार किया गया है। आगे बात करते हैं कवच प्रास लेने के मुख्य फायदे के बारे में, जिसमें पहला फायदा है शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। जैसे कि आजकल हर व्यक्ति थकावट महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, तो ये हमारे शरीर में जितना भी कमजोरी है उसको दूर करता है और दिन भर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है इसको लेने से। इस तरह से इसके फायदे हैं। दूसरा फायदा, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि आजकल हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाने के कारण कई प्रकार के बीमारी देखने को मिलता है। जैसे बच्चे लोग को बार बार कोई भी मौसम चेंज हुआ तो सर्दी, खांसी, बुखार इस तरह का देखने को मिलता है, या तो किसी बड़े आदमी को भी देखा जाए तो बार बार मौसम जैसे चेंज होता है तो बार बार कुछ ना कुछ बीमारी, गैस बनना, भूखना लगना, कमजोरी होना, बुखार होना, इस तरह से कई तरह के और भी लोगों को देखने को मिलता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिसके कारण से स्वस्थ रहेंगे, तो इस तरह से ये फायदा करता है। तीसरा फायदा, जैसे कि आज ज़्यादातर लोग तनाव में रहते हैं, तनाव ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर में और भी कई तरह के समस्या आता है, तो ये हमारे शरीर में जो भी तनाव जो हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो उस तनाव को ये कम करता है। चौथा है खांसी और कफ को दूर करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है बार बार खांसी उनको आते रहता है, या तो खांसी पकड़ा है किसी को तो छोड़ने का नाम नहीं लेता है, कफ फंसा रहता है, बार बार कफ निकलते रहता है, तो इस तरह के जितना भी समस्या है उसको ये पूरा जड़ से साफ कर देता है। कफ अगर साफ हो गया तो बार बार खांसी ही नहीं आएगा, और बार बार खांसी आ रहा है जिसके कारण से, तो हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको ये मजबूत कर देता है, जिसके कारण से खांसी भी ठीक हो जाता है, तो इस तरह से इसके फायदे हैं। पांचवा फायदा, श्वास लेने की तकलीफ़ को दूर करता है। जैसे बहुत सारे लोग को श्वास लेने में दिक्कत होते रहता है, तो ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग लोगों को देखने को मिलता है, तो इस तरह से ये हमारा जो है सांस लेने की तकलीफ को भी दूर करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो सभी अंगों को सफाई करके उसको मजबूती प्रदान करता है, तो इस तरह से इसके फायदे हैं। अगला फायदा है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पेंक्रियाज है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इस तरह से हमारे शरीर के सभी अंगों को ये मजबूती प्रदान करता है, तो इस तरह से आज हमने कवच प्रास के मुख्य फायदे के बारे में जाने। इसका सेवन विधि कैसे लेना है, इसको छोटे बच्चे को 6 साल से 12 साल के तक के बच्चे को छोटा चम्मच में एक एक चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद में देना है, बड़े व्यक्ति के लिए बड़ा चम्मच में एक एक चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद लेना है, तो इस तरह से इसका सेवन विधि है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।